नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निशा। दिनभर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है हल्द्वानी के मुख्य खबरों का, तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने दीपावली के शुभ संध्या पर भारतीय सेना के शहीद जवानों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। बता दें कि इस मौके पर संस्था ने कालाडूंगी चौराहे पर एक दिया शहीदों के नाम अभियान के तहत 51,000 मिट्टी के दिए और बत्ती के पैकेट का वितरण किया। जिस दौरान संस्था के अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और सदस्य अमन कुमार ने इस पहल के महत्व को उजागर करते हुए कहा कि भारतीय सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके बलिदान के कारण ही हम अपने त्योहारों का आनंद ले पाते हैं। हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए और उनके बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हवाई रोड क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि जल निगम पेयजल संकट के समाधान के लिए नई पेयजल लाइन बिछाने जा रहा है। इसके लिए 8 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है, जिससे दुर्गा सिटी सेंटर चौराहे से कालाडूंगी रोड पर नवाबी रोड चौराहे तक 1.5 किलोमीटर लंबी और 6 इंच व्यास की लाइन बिछेगी। बता दें कि हल्द्वानी में दशकों पहले बिछाई गई अपेक्षाकृत कम व्यास की पेयजल लाइन बढ़ती आबादी का भार नहीं उठा पा रही है। ज्यादा कनेक्शन होने से हर घर तक पानी पहुंचना मुश्किल बना रहता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की अगले साल होने वाली परीक्षाओं के लिए शिक्षा विभाग ने कसरत शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस बार जिले में 19,000 से अधिक छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे और पहली बार 60 छात्र संख्या वाले स्कूलों को भी परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पहले 75 छात्र संख्या वाले स्कूल को केंद्र बनाया जाता था। इस संबंध में प्रभारी मुख्य शिक्षा अधिकारी पुष्कर लाल टमटा ने बताया कि बीते साल 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन अब की बार 107 परीक्षा केंद्र बनाए जाने की योजना है। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरे जिले में की जा रही है। सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। कॉलटैक्स चौराहे से 3 पानी तक जमरानी नहर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। बता दें कि जमरानी बांध परियोजना के तहत जल्द ही इसे कवर किया जाएगा और इसको कवर होते ही मॉनसून के दौरान नहर ओवरफ्लो होने से होने वाले जलभराव से लोगों को भी निजात मिलेगी। इसके साथ ही विभाग जमरानी बांध से तराई के जलाशयों को पानी पहुंचाने वाली नहरों का भी सुधारीकरण करेगा। बता दें कि सिंचाई और पेयजल के लिए जरूरी जमरानी बांध के निर्माण की कार्रवाई तेज हो गई है और अब बांध से पानी पहुंचाने के लिए उससे पहले बनी नहरों के सुधारीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता के एक प्रतिनिधि मंडल ने एसटीएच और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के पास रैन बसेरे बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि मामले में एसटीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। जिस संबंध में चीनपुर कुसुमखेड़ा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी के नेतृत्व में बीते दिन एक प्रतिनिधि मंडल एसडीएम परितोष वर्मा से मिला और इस दौरान उन्होंने कहा कि एसटीएच समेत कैंसर अस्पताल में कुमाऊंभर से मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर होने के चलते होटल में रुकने की व्यवस्था करना मुश्किल होता है। रैन बसेरा नहीं होने के चलते मरीज और उनके तीमानदारों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। हल्द्वानी की मुख्य खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। नमस्कार।